कैसे क्रिएट किया है तो ऊपर आई बटन ब्लिंक कर रहा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, मैं वहां भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज का वीडियो क्या है राइट, तो चलो बढ़ते वीडियो के ओर। सो गाइज आज है मॉनसून स्पेशल वीडियो, तो आज मैं लाई हूँ वीडियो ऑन कि हम लोगों को अपना बैग में क्या क्या कैरी करना चाहिए मॉनसून के टाइम में। तो इस तरह सा बैग मैं ज्यादा करके लेती हूँ मॉनसून के टाइम में, बड़ा सा बैग ताकि उस पर सारा सामान आ सके। तो देखते हैं क्या क्या है बैग में। तो सबसे पहला सामान गाइज मॉनसून में सभी को रखना चाहिए अपने बैग में, क्योंकि आप कहीं भी आप गीले हो सकते हो, तो वो है अम्ब्रेला। तो आपको जब भी फील हो बारिश होने वाली है तो फिकर नॉट, अम्ब्रेले लेके आप रेडी हो जाओ। सेकंड इज वेट वाइप्स। वेट वाइप्स भी हमें हमेशा कैरी करना चाहिए, कोई भी सीजन हो, विंटर हो, समर हो या मॉनसून। और मॉनसून में तो ये बनता है गाइस, जब भी आपको लगे आपका फेस भीग चुका है या गंदा फील हो रहा है तो आप बस फील करो और एक वेट वाइप्स निकालो, बॉडी हो फेस हो कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं इसलिए। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहूंगी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस वॉलेट। ये तो सभी रखते हैं अपने बैग में राइट, बट वाटर प्रूफ वॉलेट यूज करें क्योंकि आपके वॉलेट पे देख सकते हो कार्ड्स रह सकते हैं, यहाँ पर भी काफी सारा स्पेस है, यहाँ मनी रख सकते हो गाइस। तो आप वॉलेट वो वाला यूज करें जो वाटर प्रूफ हो, वरना आपका कार्ड हो और मनी हो वो पूरा तरीके से भीग जाएगा और आप रास्ते पे फंस जाओगे गाइस, फिर घर कैसे जाओगे गाइस। हमेशा बैग में मॉनसून के सीजन में एक बीज दांतों वाला फॉर्म को रखें, क्योंकि आपके बाल में कभी भी टैंगल्स लग सकते हैं और टैंगल्स फ्री हमेशा रखना चाहिए अपने बालों को। तो जब भी आप फील करो कि आपका बाल भीग चुका है बारिश के कारण, तो उसे इस तरह फॉर्म करके टैंगल फ्री करना बिल्कुल भी ना भूलें। हे गाइस, बिग रबर बैंड या बिग क्लच, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बैग में रखना। जब भी आप फील करो कि बारिश होने वाला या भीग रहे हो, तो सबसे पहले बालों को सेव करना बहुत जरूरी है गाइस। जिस तरह मैं कर रही हूँ वैसे ना करें, मैं बहुत मैसी बना रही हूँ, आप लोगों को सिर्फ वीडियो दिखाना है इसलिए। तो इस तरह से बालों को पूरा क्लच कर ले या विद दी हेल्प ऑफ रबर बैंड पोनी बना ले, क्योंकि एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होता है हमारे हेयर के लिए, वो बहुत अनहेल्दी होता है गाइस, आपके हेयर को वो खराब कर देता है एसिड रेन। तो उससे हमेशा बचे, उसके लिए करना क्या है, या तो रबर बैंड या तो इस तरह का बिग क्लच ले लें। थिंग इज चार्जर एंड हेडफोन, ये तो सभी के बैग में हमेशा होता है, क्योंकि बारिश के कारण मे भी हो सकता है आप कहीं फंस जाओ गाइस और आप बोर हो, तो करना क्या है, हेडफोन के मदद से सिंपल है गाइस गाना सुनते रहना है। बट चार्ज खत्म हो जाए तब आप क्या करोगे, तब पावर बैंक या फिर चार्जर लेके भी घूमना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगी पावर बैंक ज्यादा आप यूज करें, क्योंकि चार्जर के लिए आपको फिर चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़े। नेक्स्ट थिंग है गाइस हैंकरचीफ, हमेशा अपने बैग में हैंकी एक्स्ट्रा रखें। अगर आप एक यूज करें तो एक हैंकी एक्स्ट्रा रखें, क्यों, अगर आप गीले हो जाओ रास्ता पे या फिर आपके बालों पे पानी गिर गया है, जैसे कि मैंने कहा एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होता है हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, तो एक्स्ट्रा हैंकरचीफ आपके आएंगे काम और आप उससे अच्छे से पोंछ सकते हो मेकअप। अब सोचते हो कि मेरा मेकअप निकल क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैंने किया है वाटर प्रूफ मेकअप गाइस। देखना है तो आई बटन ब्लिंक कर रहा है गाइस, उस पे क्लिक करें, ये वाटर प्रूफ मेकअप है, इसे पानी बिल्कुल भी टच नहीं कर सकता है। तो एक्स्ट्रा हमेशा हैंडकरचीफ रखें अपने बैग पे। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस क्या है, एनगेसेस राइट, कोई भी स्नैक आप अपने बैग में हमेशा रखिए मॉनसून के टाइम में, बिकॉज कभी भी आप फंस सकते हो बारिश के कारण कहीं भी, और इनके सबको भूख लगी हो जोर की तो आप क्या करोगे, तो कोई भी स्नैक्स हमेशा रखा करें अपने बैग पे। नेक्स्ट थिंग है गाइस वाटर बॉटल, ये तो हमेशा आपको रखने चाहिए अपने पानी में, जब भी लगे प्यास और मॉनसून के सीजन में अगर आप फंसो आपको प्यास लगते हैं तो बस खोलना है और पीने दो यार, मुझे ऐसे घूर घूर कर मत देखो। ठीक है गाइस हैंड वॉश सैनिटाइजर, या ये बहुत सारे ब्रांड के आते हैं छोटे में, ये मेरे छोटू से लिया है लाइफ बॉय की तरफ से। तो जब भी आपको फील हो कि आप भूखे हो, आपको खाना है कुछ या स्किन के और बढ़े, तो उससे पहले ये जर्म्स वाले हाथ को सैनिटाइजर से धो लें, क्योंकि आप बाहर हो, मे भी हो सकता है वहाँ पानी अवेलेबल नहीं हो, तो अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो इस सैनिटाइजर से पहले धो ले हाथ, देन स्किन की ओर बढ़े या फिर पेट पूजा की ओर बढ़े। तो बढ़ती हूँ नेक्स्ट थिंग के तरफ। नेक्स्ट थिंग है हमारा पेपर सोप, अगर वहाँ पर पानी अवेलेबल हो जहाँ आप जा रहे हो, पानी अवेलेबल कैसे नहीं होगा, मॉनसून सीजन है गाइस, अगर आप हाथ ऐसे बढ़ाओगे पानी अब रुकी आ जाएगी आपके हाथ में, तो पेपर सोप भी काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सैंडलवुड का पेपर सोप लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। नेक्स्ट थिंग है टिश्यू पेपर, छोटा सा टिश्यू पेपर हमेशा बैग पे रख,
अगर आप स्पेक्ट वगैरह पहन रहे हो और आपके चश्मा भीग चुके हैं तो ये टिश्यू पेपर ही हेल्प करेगा। कॉटन वाला हैंडकरचीफ हेल्प नहीं करता, तो टिश्यू पेपर भी बहुत काम आता है। तो मैंने ये छोटा सा टिश्यू पेपर का बैग लिया है। और नेक्स्ट थिंग कि हमारा समझ गए परफ्यूम, कितनी स्ट्रिंगी स्मेल बहुत सारी आती है मॉनसून में आसपास की तरफ से। तो करना क्या है, सिंपल लेना है छोटा वाला आपको परफ्यूम, या बड़ा भी ले सकते हैं डिओड्रेंट स्प्रे करना है एंड जस्ट फ्रेश वाला स्मेल को फील करना है। या गाइस ये पॉकेट फ्रेंडली वाला परफ्यूम है गाइस, मैंने इंगेज कर लिया है, छोटा वाला है, बहुत ही अच्छा। मेरा वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अभी बहुत सारा मॉनसून से रिलेटेड वीडियो आने वाला है मेरे चैनल पे, तो हमेशा मेरे चैनल से बने रहे। तो टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टाटा।